विकासखंड सांडी में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें प्रधान एवं बीडीसी से नामांकन किया गया, जिसमें पुलिस प्रशासन भी चप्पे चप्पे पर मौजूद रहे, वही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। प्रधान प्रत्याशी ने नामांकन करने के बाद नवभारत समाचार से खास बातचीत की। नवभारत समाचार हरदोई उत्तर प्रदेश से अमित कुमार राठौड़ की रिपोर्ट। चल रहा है, मास्क कहाँ है आपका? जी, धैर्य के साथ में कोरोना काल में जी किया। तो आपकी मास्क कहाँ है दादा? मास्क कहाँ दादा? कोरोना काल चल रहा है, मैडम मास्क कहाँ है? मास्क आपका कहाँ है? कोरोना काल चल रहा है, मास्क कहाँ है आपका? बिना मास्क के आप जगह पे चले जाएंगे, मास्क की सुविधा का है उपलब्ध है, तो मास्क है। तो मास्क आपका कहाँ लगा? मास्क कहाँ है आपका? कोरोना काल चल रहा है, आपका मास्क कहाँ है? आप मास्क लगाइए, मास्क कहाँ है दादा? मास्क का कोरोना काल चल रहा है, जिसमें एंट्री होने से पहले निशुल्क। एक मिनट, आपका मास्क कहाँ है? कोरोना काल चल रहा है, इसमें आपका मास्क कहाँ है? ये मास्क नहीं, आपको पता नहीं है? बाहर गेट पर कोई चेक नहीं कर रहा? बाहर गेट पर चेक नहीं कर रहा है? एक मास्क कहाँ है आपका? जी जी, मैं अपनी ग्राम सभा के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था कराएंगे और सड़कों की भी मरम्मत करवाएंगे। उसके बाद में मेरे गांव में बारात घर के लिए बड़ी समस्या है, मैं बारात घर बनाऊंगा, और जिसमें कुछ मरीजों के लिए भी दिक्कत होती है, जैसे एम्बुलेंस वगैरह समय से नहीं पहुंच पाती है, तो उसकी गाड़ी की व्यवस्था करेंगे, और जो गरीब जनता है उनके लिए आवास की व्यवस्था करेंगे, और जितने भी हमारे तरफ से संभव प्रयास हो सकेंगे वो संभव प्रयास करेंगे गांव के लिए, और गांव की जनता को उस और उनके जो है कार्यों को आगे लेकर जाएंगे। अच्छा, हमने जैसा कि सुना है पंचायत चुनाव में दारू मुर्गा लोग ज़्यादा उड़ाते हैं, तो इसके बारे में अपने प्रिय जनता को क्या कहना चाहेंगे? ये ऐसा है कि ये लोग सब निशाचरों का काम है, ये जनता को जो है गुमराह करने के लिए करते हैं। कोई भी ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो जाके किसी वोटर को कहे कि भैया ये 80 रुपये पौवा मिलता है, हमसे 5 किलो आलू ले जाओ उसकी जगह, तुम्हारे बच्चे खाएंगे। लेकिन वो जहर पिलाने पर तुले हैं और उनके परिवार को, उनके बच्चों को बिगाड़ने पर लगे हैं, उनका भविष्य मिटाने के लिए लगे हैं। ठीक, धन्यवाद। पहले तो आप अपना नाम बताइए। संजय सिंह। आपकी ग्राम पंचायत कौन सी है? बमटापुर छिन्नौर। अच्छा, इस बार आपके यहाँ कौन सी सीट है? सामान्य महिला। तो महिला में कौन खड़ा है? सरिता सिंह, पत्नी संजय सिंह। पहले, इसके पहले भी आप प्रधान रह चुके हैं, हमने सुना सांडी से प्रधान संघ का अध्यक्ष भी रहा जी, लेकिन इस बार जो है जीतने के बाद आप अपनी जनता के लिए, अपने ग्रामवासियों के लिए कौन सी नई ऐसी योजनाएं, कौन सा ऐसा नया काम सोचा है जिससे सभी का भला हो सके और सब खुश रह सके? ग्राम प्रधान तो महिला सीट है जी, उनके हस्बैंड होने के नाते हम जीत के आते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की योजनाओं को गांव में लाएंगे, जिसमें चाहे वृद्धावस्था विधवा पेंशन हो या गांव से संबंधित रोड प्रणाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, विद्यालय या अन्य जो भी सरकार की तरफ से योजनाएं होंगी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लागू कराने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। उसके अलावा हमारा बमटापुर छिन्नौर गांव कई नदियों से जुड़ा हुआ है, शायद इलाहाबाद संगम 3 नदियों के लिए कहा जाता है, हमारा बमटापुर छिन्नौर ग्राम पंचायत 7 नदियों से घिरा हुआ है, दैवीय आपदाओं से प्रभावित रहता है। उसमें भी सरकार की तरफ से चाहेंगे कि नदी से जैसे कटाव गाँव का, खेतों का, सड़कों का न हो, इसके लिए लगातार प्रयास करेंगे, और बाकी कोशिश ये रहेगी हर वर्ग के लिए, हर धर्म के लिए, और महिला पुरुष नौजवान सभी के लिए 24 घंटे कंधे से कंधा मिलाकर पूरी ईमानदारी से उनके साथ जीवन जीने की कोशिश करूँगा। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, जैसे ही ग्राम प्रधानी का या यह चुनाव आता है ग्राम पंचायत स्तर का, तो लोग जो वोटर हैं वो मुर्गा दारू वगैरह की फरमाई ज़्यादा करते हैं, जो जो प्रधान इसकी समुचित व्यवस्था करते हैं,
उसके पीछे ज्यादा लगे रहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, वो होता तो है, खैर चुनावी व्यवस्थाएं हैं, एक दूसरे का अगर सम्मान न करा जाए चुनाव पीरियड में तब भी उचित नहीं, लेकिन हमारा तो यही कहना रहेगा कि हमारे साथ इस तरीके के मतदाता नहीं, हमारे साथ तन मन धन से जुड़े हुए कार्यकर्ता और वोटर हैं। इस नाते हम कहना चाहेंगे कि सारे लोग ईमानदारी से ईमानदारी प्रत्याशी चुने ताकि बढ़िया विकास हो सके गाँव का।